डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के बेगमपुर स्थित गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स पर आज दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने लूट से पूर्व मालिक व नौकरों को एक तरफ बंद कर दिया था। बदमाश जाते हुए कैमरे का DVR भी लूट कर ले गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सारे रास्तों पर भारी फोर्स तैनात कर रखी है। बावजूद इसके बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर फरार भी हो गए। इस घटना से व्यापारियों में दहशत व्याप्त हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्ष दर्शी ने मीडिया को यह जानकारी दी। तो जो है यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे, दुकान का नौकर बाहर गया हुआ था, वो अपना बैंक के कुछ कागजात चेक वेक साइन कर रहे थे। उतने में ही दो व्यक्ति आए, उन्होंने इनकी दुकान में जो एक छोटी सी खिड़की है उसके दरवाजे में कुंडी लगाई और इनके फौरन एक कट्टा लगाया और चक्कू लगाया। उसके बाद बोला, भाई तुझे मारते हैं, बता कैसे करेगा, तुझे बांधते हैं। पहले तो उसको बांधा और उसको इस वाली पैंट्री के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने चाबी वाबी ढूंढी और उसके बाद उनसे इस अलमारी की चाबी नहीं खुली तो उन्होंने उसको राजीव कपूर को बुला करके बाहर लेकर के आए और चाबी से उसको खुलवाया। उन्होंने तो खोला, कोऑपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। हमारे मित्र ने उनको कोऑपरेट किया, जैसे भी करके उन्होंने चाबी खोली और उसके बाद इस वाली पैंट्री में हाथ बांध करके अंदर बंद कर दिया। DVR पूछा कहाँ पे है, हड़बड़ाहट में मेरे मित्र को DVR समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कैमरे का जिसमें रिकॉर्ड होता है तो अंदर उन्हें दिख गया, उन्होंने खुद तोड़ के उसे DVR को भी ले गए, उन्हें अंदर बंद करके बांध करके हाथों से अंदर बंद कर दिया। उसके बाद पूरी दुकान में सब खंगाल करके सारा सामान चोरी करके ले गए, डब्बों में से निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें भयभीत किया और पूछा, भाई कहीं और सामान रखा है, क्योंकि उनकी एक अलमारी यहाँ बड़ी है जिसमें उनके फाइल्स पड़े रहते हैं। उसके बाद उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश करी, उन्होंने भैया कागजों में क्या, उन्होंने बाकी सामान बता, कैश कहाँ रखी है, क्या कहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने उसके कट्टा लगा रखा था, चक्कूला एक, उसमें से नाम उसने शायद सलीम बताया था। सलीम बता, भाई इन्हें मार दूं या क्या करूं। उन्होंने कहा, भाई छोड़ दे, इससे चोबरी हो रहा, हम तो ले जा रहे हैं सामान। सारी दुकान उसका सारा का सारा सामान यहाँ से लेकर चले गए। बेगमपुर प्रशासन इस समय पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यापार संघ के लोग हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस लूट का, इस डकैती का जो दिन भरे बाजार में हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद। दो जने लोग थे, दोनों दुकान में अकेले बैठे हुए थे, तुरंत घुस गए वो, उन्हें देख करके अकेला। उसके बाद उन्हें बांध दिया और पीछे पेंट्री में, और उसके बाद छोटे स्टोर में बंद कर दिया और दुकान में। दुकान जी, मेरा नाम मुनिंदर सिंह डोडी, मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ बेगमपुर व्यापार संघ का। दांत में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के गया था और जो कर्मचारी है वो किसी काम से गया था, ये अकेले थे। दोनों अंदर घुसे और उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया और उसके बाद इनके साथ उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी, बांधा इनको पेंट और इनके एक स्टोर में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुली लूट की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कावड़ की वजह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़क पर अलर्ट है, उसके बावजूद घटना का हो जाना ये मेरठ की पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने किया। देखिए लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है, ज्वेलर्स है, आज जो सोने का रेट है उस हिसाब से अगर गणना करेंगे तो मुझको लगता है कि ये लाखों में होगी। मैंने अभी IG साहब को भी कहा है, SSP साहब को भी कहा है और पहले भी मैं इनसे मिलकर ये बात कह चुका हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए बाजार खुलते वक्त और बाजार बंद करते वक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, एक बात। इसके अलावा चौराहों पर चेकिंग के नाम पे, वाहनों की चेकिंग के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, सारा शहर पूरा आवाम उस बात से परेशान है। उनका जो अपराधी को रोकने की बात है वो नहीं रुक रहा है, लेकिन चेकिंग के नाम पे लूट हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पे जब सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में इस अपराध का हो जाना और दिन दहाड़े लूट होना, ये अपने आप में प्रचंड चिन्ह लगाता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। इस बारे में गोपाल दी हट्टी
के मालिक राजीव कपूर ने यह जानकारी दी। 12:15 बजे हम तीन लोग थे दुकान पर, मैंने काम से दोनों को भेजा अपने अपने काम से। जैसे ही हमारा तीसरा आदमी निकला, मैं अकेला था दुकान पर, दो आदमी पहले तो एक आदमी घुसा, उसने जाके हमारी खिड़की की कुंडी लगा दी, बंद कर दिया, और दूसरा इतने में दूसरा भी घुसा, और जैसे ही उन्होंने अपना मतलब पिस्टल निकालने की एक्शन से मैं समझ गया कि ये तो गलत लोग लग रहे हैं। मैं पूछता रहा कौन है वो, क्या काम है, क्या है। इतनी देर में मुझे फिर पीछे वाले कमरे में ले जाके बांधना लगे। बांधने के वक्त उनका दूसरा आदमी लूट कर रहा था, डकैती मार रहा था। अब वो डकैती करते करते उससे ना वो कुछ लॉकर्स खोले नहीं होंगे, तो मुझे बांधना रोक के वो मुझे वहाँ पे ले गए और जो है मुझसे लॉकर खुलवाए। जब तक उन्होंने, उनके हाथ में गन थी, एक चाकू था, ऐसे ही सेम गन और चाकू दूसरे हाथ में था। बांधते बांधते पहले नहीं बांधा मुझे, मुझसे खुलवा के फिर जो साइड में कमरा है छोटा सा स्टोर, उसके अंदर मुझे बांध के पैक कर दिया और कुर्सी वर्सी लगा दी। और 5-10-15 मिनट आराम से उन्होंने, वो जल्दी में नहीं लग रहे थे। कितनी देर तक दुकान में रुके होंगे बोले? 15-20 मिनट के बीच में ज़रूर रुके हैं वो, और बड़े, उन्हें कोई पैनिक नहीं था, बड़े आराम से वो अपना सामान किया और फिर वो निकला। आप फिर पड़ोस का दुकानदार जब आए तो मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई और फिर मैं बाहर निकला और भाग गया फिर बाहर। कितनी देर तक आप बदमाशों को जानने के बाद अंदर कमरे में बंधक बने हुए? ये तो पता ही नहीं कब गए वो, मैं तो अंदर था। कितनी देर तक आप अंदर रहे? 15-1 मिनट तो रहूँगा। कितना सामान? उसमें बहुत आवाज़ आती रही। किस तरह की? मतलब ड्रॉज हिलाने की, सामान गिरने की, डब्बे उठा, मतलब जो डकैती के टाइम में सामान फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं। वो सामान गया होगा आपका लगभग? अब वो कैसे पता लगे, जब तक अभी तो फॉरेंसिक वालों ने अलाउ नहीं किया, वो तो सब चेक करेंगे तो पता लगेगा कितना सामान गया। कई लाखों में गया होगा जी। 20-30 कितना? मैं ये नहीं, मैं कितना होगा सेंसर ही नहीं पैदा। वहीं मौके पर मौजूद एसएसपी रोहित सजवाण ने यह कहा। दो लोग आए थे यहाँ पे और दो लोगों के द्वारा अंदर खोल लिया दुकान के अंदर, वो अकेले थे उस दौरान के द्वारा इनको अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पे दुकान के अंदर लूटपाट की गई है। अभी हमारी वादी से बात हो रही है, वादी अभी तहरीर दे रहे हैं और आसपास हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसके आधार पर दो व्यक्ति जो आए थे दुकान पे, उनके द्वारा बलपूर्वक जो घटना की गई है उनको तत्कालिक गिरफ्तार करने के लिए हमने चेकिंग के आदेश दे दिए और इसमें हम कदम दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके जो भी सामान गया है उसकी जल्द बरामद की। वादी से बात हुई है, वादी के द्वारा भी तहरीर दी जा रही है और दो व्यक्ति दुकान के अंदर आए थे और असला धारक थे वो, उनके द्वारा बताया गया और दोनों की पहचान अभी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। ये अभी बातचीत चल रही है, से वो हमारा काम अभी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि ये दुकान के अंदर अकेले थे और ये अंदर ग्राहक बनकर और वहाँ पर जब ये अंदर दुकान के अंदर गए उसके बाद ये इन्होंने दुकान को अंदर से बंद कर दिया। जो दो लोग ये पहले सामान्य तो हमें बंद के अंदर गए थे और इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने प्राप्त कर दिए, उसके आधार पर भी पहचान कर कार्रवाई करेंगे। अभी मास्क लगा रखा था, हैंड ग्लव्स पहने थे, संदिग्ध था। ये जो दुकान के जो मालिक है वो अकेले थे दुकान पे, तो वो समझ नहीं पाए शुरुआत में क्या हो रहा है। उनको लगा कि कोई जो टीम है इनकम टैक्स की या कोई अन्य टीम है वो रेड करने आई है, इस वजह से इनको बड़ा गलत। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।